देखिए हम लोग आए हुए थे जमात में मुरादा गाज़ियाबाद में, हम लोग रुके हुए थे, ठीक है ना। हम लोग 26 साथी आए हुए थे। ये है मोहम्मद कैफ, ये है शुएब अख्तर, ये है अज़द, ठीक है, सब हिंदपुरी के रहने वाले। ये है मोहम्मद अजमल, ये भी हिंदपुरी भट्टी चौक का रहने वाला है। ये है शुएब शमसाद, ये है फैसल, ठीक है, ये मैं हूँ शहरयार आलम, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, हम लोग आए थे जमात में, ठीक है ना। हम लोग को यहाँ पे कुछ दिन रखा गया, 3 दिन हम लोग को आईटी सूर्या हॉस्पिटल में रखा गया, ठीक है। बिना रिपोर्ट दिखाए हुए हम लोग को वहाँ से ला के इंसोलेशन सेंटर में रख दिया गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पे किस तरह से रखा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को रांची आना, हम लोग किसी की तबीयत खराब नहीं, सब फ्रेश दिख रहे हैं, देखिए सब फ्रेश है, कोई बीमार नहीं है, कोई बीमार नहीं है, देख लीजिए कोई भी बीमार नहीं है, सब अल्लाह के करम से सब अच्छे हैं, ठीक है ना। कोई बीमार नहीं है, सब भाई लोग बीमार नहीं है, कोई बीमार नहीं है, लेकिन हम लोग को किसी को रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को रखा जा रहा है। देखिए यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, हम लोग को रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को ऐसे ही रखा जा रहा है। जो सरकार से अपील है झारखंड सरकार से कि हम लोग के ऊपर ध्यान दें। हम लोग मुरादनगर यूपी में है, ठीक है, जो दिल्ली से 1 घंटे की दूरी पर है। हम लोग को गाज़ियाबाद से लेके आया गया, हम लोग गाज़ियाबाद से 3 दिन पहले लेके आया गया, आईटी सूर्या हॉस्पिटल में रखा गया। फिर अचानक आज शाम में 4 लोगों का नाम लेके, हम लोग 26 लोग थे जिसमें 4 लोग का नाम लेके, 4 लोग का नाम लेके, जिसमें शुएब, ये अजमल, ये कैफ और ये शुएब अख्तर, ये 4 को शाम में पॉजिटिव बोल के अलग किया गया। फिर हम 3 को, ये मोहम्मद अरशद है, ठीक है, ये फैसल है और ये शहरयार मैं हूँ, ठीक है। हम लोग तीनों को शाम में ला के यहाँ बिना, मतलब 9 बजे टाइम में बिना कुछ बोले हुए अचानक लेके आया गया एम्बुलेंस में, ना रिपोर्ट दिया गया और ला के इंसोलेशन सेंटर में रख दिया गया। प्लीज़ झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है और झारखंड गवर्नमेंट के सारे लोगों से, DC साहब से भी अनुरोध है कि प्लीज़ हेल्प करें। हम सब स्टूडेंट हैं, हम लोग सब पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, हमें यहाँ ला के हमारी हेल्प नहीं की जा रही, यहाँ बहुत दिक्कत है, यहाँ बीमारी ना भी होने वाले हैं। बगल में देखिए, जिसे बगल में भी कुछ लोगों को रखा जा रहा है, ठीक है, इन लोगों के साथ रहेंगे तो यहाँ बीमारी नहीं है, हम लोग बिल्कुल हेल्दी हैं और हमें कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में रह के हमें भी कोई बीमारी हो जाए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हम सबको सपोर्ट कीजिए, आप लोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, झारखंड सरकार की भी ज़रूरत है, हमारे आवाम के जो बड़े लोग हैं उनको भी, उनकी भी ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प कीजिए, थैंक यू।